ये आलू टमाटर की रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है। मेरे हिसाब से आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इसको बनाने में बिल्कुल टाइम तो लगता ही नहीं। और हाँ, घर पे वो शादी वाले आलू का टेस्ट जरूर आएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से टमाटर, लगभग 5 या 6 टमाटर आपको चाहिए होंगे यहाँ पर। उसके साथ साथ आप यहाँ पर ले 5 उबले हुए आलू। अब टमाटरों को आपको बस प्यूरी बनाना है, यानी कि आप थोड़ा काट के इनको अपनी मिक्सी में डालो, थोड़ा सा पानी डालो और उसकी प्यूरी बना लो। ये देखो कुछ कुछ ऐसे। और यहाँ पर खास मैंने लिए हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले आपको लेने बहुत जरूरी है, तभी इस आलू टमाटर की सब्जी में आपको हलवाई वाला टेस्ट आएगा। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आपने मसाले लेने हैं, जरूरी बात ये है कि आप इन मसालों को इस आलू की सब्जी में इन्फ्यूज कैसे करते हो, यानी कि उसके अंदर तक वो टेस्ट कैसे आता है। मेन सीक्रेट तो वो है। तो फिर अब यहाँ पर ले थोड़ी सी इलायची, उसके साथ साथ लौंग, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, थोड़े मेथी के दाने जो डालने बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आप ले यहाँ पर जीरा, सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता, दालचीनी और कलौंजी। मैं जानता हूँ ये मसालों की लिस्ट सुनने में तो बहुत ही लंबी है, तो अगर आपके इतने घर में मसाले नहीं है तो आप सिंपली कलौंजी, मेथी, सूखी लाल मिर्च और जीरा, ये 4 डाल देना, और बाकी एंड में आप गरम मसाला थोड़ा सा ज्यादा डाल देना, आपका काम बन जाएगा। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगी थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। अब मुझे तो मसालेदार सब्जियां पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो आप हरी मिर्च ज्यादा लें, अगर आपको नहीं पसंद है मिर्ची तो आप कम ले लें। आखिर में हमें चाहिए होंगे थोड़े से सूखे मसाले, और सूखे मसालों के लिए यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काफी सारा धनिया पाउडर और देगी मिर्च का पाउडर। देगी मिर्च और टमाटर ही वो 2 चीज है जो इस आलू की करी को कलर देती है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो मैं आपको बता रहा था कि वो मसालों का फ्लेवर अंदर तक कैसे लाना है, वो ऐसे लाना है कि पहले हमें मसालों को लो फ्लेम पे सूखे में भुनना है। ये तो आपको पता ही है कि जब हम मसालों को ऐसे भुनते हैं तो उनसे बहुत ही बढ़िया सी स्मेल सी आती है, तो इनको सूखे में भुनना है। ये अपना थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू करेंगे और हम उस तेल को अपने घी या तेल में इन्फ्यूज कर देंगे। ये देखो आप कैसे, अब इनको थोड़ा लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक भुनो। थोड़ी देर भुनने के बाद जब आपको बहुत ही बढ़िया सी वो स्मेल सी आने लग जाए ना, तभी आप डालना यहाँ पर देसी घी। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर तेल डाल देना, तब भी आपका काम बहुत ही बढ़िया चल जाएगा। बस घी को आप थोड़ा सा पिघलाओ। उसके बाद आप यहाँ पर डालो हींग, और हींग डालने के बाद ही आपने डालना है अपनी कटी हुई अदरक, और आप अदरक को भी अच्छे से ही भुनना ताकि उससे कच्चापन पूरा खत्म हो जाए। और इसके बाद आप डाल दो यहाँ पर हमारी टमाटर की प्यूरी, और आपको तो पता ही है कि जैसे मैंने डालना है टमाटर, मैंने डालना है नमक। अब आपको कुछ भी नहीं करना है इस सब्जी में, सच में इतनी आसान है कि आपको बस टमाटरों को अच्छे से पकाना है, बस और कुछ भी नहीं करना। टमाटरों को आपको अच्छे से उनका पानी पूरा निकालना है, यानी इतनी देर तक भुनना है कि टमाटर अच्छे से अपना पानी भी छोड़ दें और तेल छोड़ना शुरू कर दें। ये देखो आप धीरे धीरे करते करते आपके टमाटर ऐसे भुन जाएंगे। अब दोस्तों जो हलवाई होते हैं, जो शादी वाले होते हैं, इनफैक्ट जो इवन ढाबे वाले होते हैं, ये सब्जियों को बहुत अच्छे से भुनते हैं। मतलब भुनने से बेसिकली जो कच्चापन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और कच्चापन नहीं होगा तो मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आता है। तो फिर ये देखो अब ऐसे आपके टमाटर कितने अच्छे से पक चुके हैं। अब जब ये टमाटर तेल छोड़ना शुरू कर दे तो आप यहाँ पर डालो अपने सूखे मसाले। मैं आपको बता रहा हूँ सूखे मसालों के केस में आप सूखे मसालों को बहुत ज्यादा मत भुनना, थोड़ी देर तक ही भुनना, लगभग 1 से 2 मिनट तक। और सूखे मसाले डालते ही आप यहाँ पर अपनी हरी मिर्च, अब इनको आप ज्यादा देर तक मत भुनना, 1 से 2 मिनट ही भुनना, बहुत देर तक नहीं भुनना। और बस फिर आपने यहाँ पर डालने हैं अपने आलू। अब आलू को मैंने बिल्कुल वैसे ही डाला जैसे हम अपने समोसे में डालते हैं, या जैसे मैंने आलू मटर की सब्जी में डाला था, बिल्कुल वैसे ही। ये देखो अपने 2 अंगूठों से दबा कर और ऐसे बड़े बड़े चंक्स में। अब आप आलूओं को बस थोड़ी देर तक भून लो, 2 से 3 मिनट तक। ये सब हम मीडियम फ्लेम पे ही कर रहे हैं, इतना घबराने की कोई बात ही नहीं है, हाई फ्लेम पे हम कुकिंग कर ही नहीं रहे। अब बस 2 से 3 मिनट बाद जब आलू के अंदर वो थोड़ा सा फ्लेवर आना शुरू हो जाए, आप यहाँ पर डालो हमारी भुनी हुई कसूरी मेथी, बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप खड़े मसाले यूज नहीं कर रहे तो यहाँ पर ज्यादा गरम मसाला डालें, अगर आप खड़े मसाले यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला डालें, और आखिर में आपको डालना है पानी। और देखो पानी डालते ही इसका कलर कितना बढ़िया सा आ गया, और बस आपकी आलू करी की सब्जी पूरी तैयार है।
अगर आपको इस सब्जी में थोड़ी सी भी कमी लगती है, जैसे कि आपको खट्टापन कम लगता है, तो आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें हल्की सी खट्टी मीठी होनी चाहिए, तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो, थोड़ा बैलेंस करने के लिए। और सच में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये आलू की सब्जी पूड़ी के साथ तो सच में बहुत ही अच्छी लगती है। आप मुझे ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप आलू की सब्जी कैसे बनाते हो और ये आसान थी या नहीं थी। खैर, मुझे तो इसका कलर सच में बहुत ही पसंद आया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर मिले।